तो दोस्तों एक जंगल होता है और उस जंगल के बीच में जो है ना पत्थरों का गुड्डा रहता है, क्या बोलते हैं, बहुत सारे पत्थर रहते हैं। तो एक दिन क्या करता है, जो पत्थर पे जो तोड़ने वाला रहता है, जो पत्थर पे आकृति वगैरह बनाता है, राइट, तो वो क्या करता है, जंगल में जाता है एक दिन और एक पत्थर को जाता है वहां पे, उसको मतलब मारने लगता है, तोड़ने लगता है। तो फिर वो पत्थर बोलता है, भाई क्यों मुझे मार रहे हो, क्यों मुझे तोड़ रहे हो, क्यों मुझे शांति से नहीं रहने देते हो, बोलता है। तो वो बंदा जो रहता है, जो पत्थर को तोड़ रहा होता है, वो चुपचाप उसको छोड़ के चला जाता है। फिर बगल में जाकर के दूसरी पत्थर को उठाता है और उस पत्थर पे वो मारता है, मारता है, और वो पत्थर एकदम शांत से बैठा रहता है, एकदम तसल्ली से अपना जो भी हो रहा है उसके साथ में होने देता है। और उस पत्थर को तोड़ते तोड़ते वो इंसान क्या करता है, एक दिन अच्छी तरीके से एक आकृति बना देता है, एक भगवान का रूप दे देता है और उस पत्थर को वहीं पे सामने रख देते हैं। फिर क्या होता है, उस जंगल के गांव वाले, आदिवासी वाले, अगल बगल के लोग जब भी गुजरते हैं तो उसको देखते हैं, वाह इतना अच्छा मूर्ति है यहाँ पे, कितना अच्छा है, उसको उठा करके साइड में स्थापन कर देते हैं, थोड़े कोई पत्थर और रख देते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ एक मंदिर बन जाता है और वहाँ पे जो है लोग आकर के पूजा करने लगते हैं उसी पत्थर पे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, एक पत्थर जिसने मना कर दिया था कि भाई मुझे कुछ मत करो, कोई इंसान आता है उस पत्थर को, आप बोलते हैं कि भाई चलो वहां पे जाकर के रखते हैं क्योंकि आप पूजा करना है, तो वहां पे नारियल फोड़ने का कुछ रहता नहीं है, तो इस वाले पत्थर को उठा करके उसके दरवाजे के सामने रख देते हैं और लोग आते हैं, आते हैं उसके ऊपर जो है ना नारियल फोड़ते हैं और भगवान का पूजा करते हैं। तो एक दिन बेचारा ये जो पत्थर है जो बाहर रहता है वो पूछता है, भाई तू भी तो वहीं था, तुझे पूज रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पूज रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो इस पत्थर का भगवान बना रहता है वो जवाब देता है, भाई तुमने जब, तुम्हारे ऊपर जब कोई चोट कर रहा था, मार रहा था, तुम तो एकदम चिल्ला बैठे, आपने टाइम के साथ में चेंजेस होना नहीं सीखा, बस अपने मस्त मौजा रह गए, तो इसी वजह से। तो दोस्तों इसका कहानी का मतलब क्या है कि मतलब जब आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, जब आपके ऊपर चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो एक तरह छेनी का मार होता है, जैसे उस पत्थर पे हो रहा है। अगर आप उससे मुड़ के भागोगे, पीछा छुड़ाओगे, तो लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। बट उसी चोट को अगर आप सहते रहोगे, वो मार आपके ऊपर बढ़ती रहेगी, तो एक दिन आप जो है ना पत्थर से हीरे में कन्वर्ट हो जाओगे। जो दुनिया आपको पहले नकारती थी, जो दुनिया आपको कुछ भी भाव नहीं देती थी, वो एक दिन में इज्जत करेंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा इसके अंदर स्टोरी का लाइनअप क्या है कि भाई आपको जो है ना लाइफ में जितना भी चैलेंजेस आए उसको बस डट के फेस करो, मुस्कुराहट के साथ में फेस करो, कोई कितना भी आपके साथ कुछ भी करता है, बस उसको फेस करो, देखो समझो सोचो और इम्प्लीमेंट करो। लेजी के जैसे फर्स्ट पत्थर जो रहता है उसके तरह बैठे रहोगे, तो किसी एक मंदिर के बाहर में आप भी एक पत्थर के जैसे ही बैठ जाओगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह से मोटिवेशन वीडियो और बात सुनने के लिए, और कमेंट में और भी कोई टॉपिक है आपको लगता है कि मैं उस पर बात करूँ तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।